नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कई साथी आपकी जो आगामी परीक्षा हैं पीटी एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि कम्बाइंड टेक्निकल, मुख्य सेविका परीक्षा, वीडियो री एग्ज़ाम और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के भी बहुत से छात्र लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कब तक उनके जो एग्ज़ाम्स हैं ये कंडक्ट करवाया जा सकते हैं। तो थोड़ी मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली है, तो जो भी इससे रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, कभी आपकी परीक्षाएं संपन्न करवाई जा सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पैट एग्ज़ाम 2022 से संबंधित भी, इसके एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित कुछ अभी न्यूज़ सामने आई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखो, कुछ साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कृषि प्रावधिक की भर्ती के लिए, तो आज थोड़ी इसकी पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भर्ती कितने चांस हैं, कब आ सकती है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी, जो लोग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। दोस्तों, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम लोग बात करेंगे एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके सभी 20 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, जैसे कि आपका मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियां, विवाह परिवार, जाति लिंग, असमानताएं, सामाजिक समस्याएं, यहां से लेके आपका जो पूरा सिलेबस है जैसे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम तक, सब कुछ आपको इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके बेस्ट रिविज़न के लिए 2000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें MCQs, बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहते हैं आपको इसमें कवर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में एक अच्छी तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर पाएं। तो इस किताब की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप ऑनलाइन, साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इस किताब को आप बाय कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परीक्षाओं के बारे में, तो पैट एग्ज़ाम के बाद जो दो परीक्षाएं हैं बिल्कुल लगी हुई हैं, बिल्कुल प्रस्तावित हैं। पहली परीक्षा जो बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, आपको बहुत ही जल्द पैट के बाद वो कंप्लीट होती हुई दिखेगी, वो है कम्बाइंड टेक्निकल की परीक्षा। उसके बाद जो आपका पेपर कराया जाएगा वो करवाया जाएगा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का, जो कि आपका दिसंबर लास्ट तक जाएगा। ठीक है, कम्बाइंड टेक्निकल के बाद मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का पेपर होगा, उसके बाद आपका पेपर संपन्न करवाया जाएगा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 का, जो आपका और आगे खींचेगा फरवरी लास्ट तक। ठीक है, फरवरी लास्ट के पहले पहले कोई भी चांस नहीं है आपका वीडियो री एग्ज़ाम का। तो ये जो तीन परीक्षाएं लगभग आपको इसी जो क्रम में बिल्कुल देखने को मिलेंगी, इसी प्रकार से अभी वर्तमान में आयोग द्वारा इनके लिए कार्य किया जा रहा है। आयोग को आप सभी को पता होगा बहुत से रिजल्ट अभी प्रिपेयर करने हैं। एक और जो आपका एग्ज़ाम है आपका बंद दरोगा का, तो देखो बंद दरोगा एग्ज़ाम आपका अभी तो कम से कम 6-7 महीने उसके कोई भी चांस नहीं है कंप्लीट करवाने के। ठीक है, आपका मार्च माह में जब ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी उसके बाद ही कहीं नंबर लगेगा बंद दरोगा भर्ती परीक्षा का। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर एक तो चांस है आपका वीडियो री एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, क्योंकि देखो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के से रिलेटेड अभी कोई चर्चा वहाँ पर नहीं की जा रही है। या तो आपका पेपर वीडियो री एग्ज़ाम के बाद होगा या फिर आपका मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के बाद कुछ नोटिस निकाल के इस पर कुछ कार्य स्टार्ट करके आयोगी परीक्षा है संपन्न करवा सकता है। लेकिन आईटीआई का देखो, क्योंकि कोई जानकारी इसकी नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसको मैं आपसे जो फिक्स चीज़ है नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले कम्बाइंड टेक्निकल, उसके बाद मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, उसके बाद वीडियो री एग्ज़ाम, ये तीन आपको इसी क्रम में देखने को मिलेंगे। वीडियो के जो भी छात्र हैं अच्छा खासा अभी भी उनके लिए अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय बचा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पीटी एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लगातार पीटी एग्ज़ाम के जो छात्र हैं अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये आर्टिकल भी दिख रहा होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनके लोकेशन से बहुत दूर सेंटर दिया है और जिसके चलते परीक्षा में शामिल होना मुश्किल लग रहा है उन छात्रों को, और एग्ज़ाम सेंटर बदलने की मांग भी छात्रों द्वारा लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी और UP SSC के जो भी अधिकारी हैं लगातार उनको टैग किया जा रहा है, लगातार UP SSC पर मेल किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम सेंटर दूसरे जनपद में दिए गए हैं, साथ ही साथ परीक्षा के दिन ट्रेनें और बसों में बहुत भीड़ होगी। बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। जो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बताऊं तो वर्तमान में मेरे ज़िले के 3 जगह पर सेंटर गए हैं, उनमें से एक जगह ऐसी है, ठीक है, 2 जगह हम लोग मान सकते हैं, एक तो बिल्कुल ऐसी है जिनमें जिसमें डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं जाती है,
एक जगह है उसमें ऐसी है जिसमें सिर्फ दो ट्रेनें जाती हैं, वो भी रात को जाती हैं ऐसे टाइम पे कि ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। और पिछली बार भी वहीं पर सेंटर गया था तो ऐसा वहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिससे 5 किलोमीटर दूर आपका जो मेन शहर है वो पड़ता है। एक सेंटर गया है झांसी मेरे ज़िले का, ठीक है। तो इन तीन जगहों पर छात्रों के लिए सेंटर गए हैं, तीन में से दो बिल्कुल आप यही मान सकते हैं, दो में से एक है आपका हमीरपुर जिसके लिए कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती है, एक है आपका महोबा, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ट्रेनें जाती हैं। तो यही बाकी छात्रों के साथ हो रहा है, ये दोनों लोकेशन, हमीरपुर के बारे में बात करें 285 किलोमीटर दूर है, महोबा के बारे में बात करें 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह पर अब देखो, एक तो आयोग की भी कोई गलती इसमें मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो रिसोर्सेस की कमी आयोग के पास भी है। आपको 37,51,000 बच्चों का पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाना है, ग्रुप डी का देख लो आप लोग, ग्रुप डी की दो तीन महीने परीक्षा चल रही है। ग्रुप डी में पूरे भारत के एग्जाम सेंटर जो TCS के हैं बुक करवाए जा रहे हैं, उन पर परीक्षाएँ संपन्न करवाई जा रही हैं, 1 करोड़ के आसपास उसमें बच्चे, ठीक है, पेपर दे रहे हैं। उससे आधे ही 37 लाख हम लोग मान सकते हैं, उसके लगभग 37% ही है सीधा। तो 37% बच्चों का सिर्फ उत्तर प्रदेश में सेंटर बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो UP SSC उसके द्वारा पूरा मैनेजमेंट करना है। तो जहां तक मुझे लगता है, एक तो कंप्यूटर जनरेटेड है सभी चीज़ें, तो आयोग की कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन इतना है कि आयोग इतना कर सकता था कि कम से कम 100 किलोमीटर दूर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो दे सकता था। अब ऐसा UP SSC नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश का सेंटर मध्य प्रदेश में चला जाए पैट का या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो उत्तर प्रदेश में ही सब चीज़ें मैनेज करना है उन लोगों को, ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें मैनेज करना पड़ेगा, आपके ज़िले के आसपास भी जो सेंटर हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, पूरा आयोग को ही ये सब मैनेज करना है आपकी परीक्षा का। तो मेरे हिसाब से आयोग का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है पूरा, क्योंकि सिस्टम से जनरेटेड आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो रहते हैं, कोई व्यक्ति तो आपका सेंटर नहीं बनाता है कि इस व्यक्ति का यहाँ चला जाए उसका वहाँ पर चला जाए, जो पास की चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब आपका मैनेज किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी को छात्र लगातार इसमें टैग कर रहे हैं और इससे संबंध में रियायत की मांग कर रहे हैं। कल भी मैंने ये चीज़ आपसे कही थी कि 7-8 दिन बचे हैं, बहुत ही कम चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम सेंटर में कोई परिवर्तन किया जाए, क्योंकि देखो एक सेंटर में परिवर्तन होगा तो फिर उससे रिलेटेड पूरे सेंटर्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमारा सेंटर एक जगह से दूसरा जगह चला जाए, उस दूसरी जगह पर भी तो किसी का पेपर होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी जेन्युइन जो गवर्नमेंट संस्थान हैं आपके स्कूल, आपके प्राइवेट जो आपके प्राथमिक वाले स्कूल, सभी पे आपका पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर एक व्यक्ति का चेंज होगा तो अगले व्यक्ति का भी करना पड़ेगा, और एक का होगा तो फिर अगले का व्यक्ति का भी करना पड़ेगा, मतलब कि सिर्फ एक व्यक्ति का तो सेंटर पर चेंज करेंगे नहीं, जितने मेल आएंगे जितने टैग करेंगे सबको करना पड़ेगा। तो कोई भी चांस देखो नहीं है, ठीक है, आपके सेंटर यहाँ पे चेंज होने की। अब आप इतना ही है कि थोड़ा मैनेज करके अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर जाके इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो गवर्नमेंट यही कर सकती है कि स्पेशल जो आपकी बसें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, उन रूट्स के लिए चलाएं जिससे कि अभ्यर्थी सुगमतापूर्वक कुछ और ट्रेनें चला दें, कि नई ट्रेनें शेड्यूल करके अलग से उस टाइम के लिए चला दें जिससे जो अभ्यर्थी हैं वहाँ तक पहुँच पाएँ कम से कम, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने स्तर से जो कर सकती थी कर रही है। आपने ये जो लेटर हैं देखे ही होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन जो अपना, ठीक है, PET का था, उसकी लिखित परीक्षा को 2 पालियों में कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो पंजीकृत अभ्यर्थी जो 37,58,000 हैं उनका मूवमेंट होगा, तो उसके लिए ये जो अवनी सक्सेना जी हैं उनके द्वारा भेजा गया है। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि 75 जनपदों के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा प्राय है समस्त जनपदों, ये सब जानकारी दी गई है। इस संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि मूवमेंट प्लान का अवलोकन करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत बसों में पर्याप्त स्थान अथवा अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था, तो ये आयोग ने कहा है, आयोग ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि या तो आप ऐसा संचालन करें कि छात्र पहुँच पाएँ, या फिर जो अतिरिक्त बसें हैं उनको आप इस 2 दिन तक, आपका 15 और 16 तारीख को आप चलवा दें, ठीक है, जिससे कि यथा आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से देने का कष्ट करें जिससे कि अभ्यर्थी आम यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, ठीक है। तो आयोग देखो अपने स्तर से जो कर सकता था
वो कर रहा है, ये आपका रेल प्रबंधक को लिखा गया है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर रेलवे है। उसके बाद ये भी अवनीश सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे आपको यूपी डबल एससी का ये दिख रहा होगा सिंबल, ठीक है। तो आयोग अपने स्तर से जो कर सकता था पूरा प्रयास कर रहा है इस परीक्षा में मूवमेंट के लिए। अब कृषि प्राविधिक के छात्रों के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो कुछ अभ्यर्थी हैं जो, ठीक है, उनकी कल मुलाकात हुई थी कुछ लोगों से, कुछ अधिकारी ही आप कह सकते हैं, तो उन्होंने जिस स्तर से बात की थी उनसे, ठीक है, उन लोगों ने बताया है, उन लोगों की चर्चा हुई है कि इस प्रकार से अभी हम लोगों को लग रहा है कि ये जो भर्ती है आपकी डिले इसलिए की जा रही है जिससे कि ये जो आपकी परीक्षा है 2024 तक खिंच पाए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना 2024 में क्या है। तो देखो बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, कि ये जो आपकी भर्ती परीक्षा है इसका जो नोटिफिकेशन है, देखो नवंबर तक, तो अभी नवंबर लास्ट तक, ठीक है, उसके पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है, नवंबर लास्ट या फिर आप दिसंबर में मान सकते हैं कि ये आपका जो विज्ञापन है आपको देखने को मिलने वाला है या मिल सकता है। अभी ये सब चीज़ें क्लियर तब होंगी जब बच्चे अभी कृषि मंत्री जी के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको जो ज्ञापन है देंगे, उसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं 18 तारीख को जो हम लोगों ने ज्ञापन देने की जो तिथि डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग ही फिर पता चलेगा कि कब तक ये जो आपका विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आ सकता है। तो देखो एक तो आयोग जैसे और विज्ञापन निकालता है आपको एक सरप्राइज़ भी मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट का मन होगा आपका दिसंबर लास्ट में निकालने का या फिर नवंबर लास्ट में निकालने का, तब भी आपको ये जो विज्ञापन है आराम से देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं जिस प्रकार से उन लोगों ने मुझे बताया है कि अधिकारी बात कर रहे थे, ठीक है। तो बिना डीमोटिवेट हुए आराम से तैयारी करते रहो, भर्ती आनी ही आनी है 3477 पदों के लिए, इसमें और भी जो पद हैं जोड़े जाएंगे, ठीक है, आराम से तैयारी करते रहो। अभी पेट एग्ज़ाम है, अच्छे से पहले उसको दो, अगर कोई भी चांस हुआ कि आपकी जो भर्ती है 2022 के पैट में जा रहे तो उसके लिए भी आप जिससे प्रिपेयर रह पाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।